हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किरण कोरंगा ब्लॉग्स। तो गाइज़ कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं आई हूँ अपने भाभी के घर पे। तो मैं आज अपने भाभी के घर से ही ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और आज ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 5:30 बजे से, क्योंकि भाभी जा रही है अपने मायके, तो हम लोग उनको छोड़ने जा रहे हैं, मेरा भाई और मैं। तो भाई ने न्यू फ़ोन लिया, आईफोन, तो उससे सेल्फी ले रहा है वो सामने और हम लोग जा रहे हैं भाभी को छोड़ने, अरे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो भाभी को वहीं पे ड्रॉप करना है हम लोगों ने, उसके बाद हम घर आ जाएंगे। तो एक बार ना मैं पानी वगैरह गर्म कर लेती हूँ वंश के लिए, क्योंकि वंश को भी भाभी ने अभी उठाया, आप देख सकते हो भाभी तो रेडी हो चुकी है, वंश को रेडी कर रहे, तो मैं भाभी का थोड़ा बहुत काम करवा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैंने ये वंश के लिए पानी बॉयल कर दिया और यहाँ पर ना दूध भी गर्म हो चुका है वंश का। तो मैं ना वंश के लिए सेडलेक्स बना रही हूँ, क्योंकि उसने कुछ भी खाया नहीं है, तो उसको खिला के ही भेजना पड़ेगा। तो फटाफट से सेडलेक्स बनाते हैं, सेडलेक्स में हम ये बनाना भी मिक्स कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। ये हो रहा है रेडी, भाभी जल्दी जल्दी फटाफट से रेडी करा रही है, नींद में ही है वंश, है ना भाभी? तो यहाँ पे अभी घर का हाल थोड़ा सा वो हो रहा है, क्योंकि ये लोग सो के उठे ही हैं, तो अभी हम लोग साफ सफाई कर ही लेंगे। और नियान हो रहा है रेडी और मेरा भाई अपने बेटे की वीडियो बना रहा है। सॉरी यार, बार बार नियान क्यों निकलता है मेरे मुंह से? सॉरी, वंश हो रहा है रेडी अपने ननिहाल जाने के लिए। टोक दिया करो भाई, मुझे पता नहीं क्यों मैं नियान नियान बोलते रहते हैं। एनिवर्सरी पार्टी में बर्थडे बोल रहा था मैं ना। वंश हमारा रेडी हो चुका है, बहुत क्यूट लग रहा है ना, मम्मा ने पाउडर भी लगाया है। अब आप करोगे ब्रेकफास्ट, क्या करोगे वंश? जल्दी बताओ, ब्रेकफास्ट करोगे ना? ओ वाव, उसने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, उसको सेडलेक्स खिला दिया है, तो अभी ना अपनी मम्मी के पीछे पीछे जा रहा है। अब तो मम्मी के साथ ही रहना है आपको 4 महीने, है ना वंश? वंश, ओ नहीं जी, नो नो, वैसे तो नए हैं नए हैं नए, अभी तो कहीं गया भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो करते ही है ना। वंश आ जाओ बेटा, आओ काम जल्दी आओ, बुआ के पास, बुआ के पास आओ जल्दी आओ। कितने मिनट दिखा रहा है? चल भाई, तो 6 मिनट घर के बाहर ही तो आएगा। ओए मम्मा, मैं बेटा आ चुका है बुआ के पास इतनी दूर से। किच्ची कर दो बुआ को, चलो किच्ची कर दो, किच्ची कर दो, नोचा नोची करनी है आपको, नोचा नोची, वाह नोचा नोची करनी है इसको, बुआ के साथ नोचा नोची करनी है। बाय करो, बाय करो, बाय एवरीवन बोलो, आप भी एवरीवन बोलो, बाय एवरीवन कर दो। तो गाइज हम लोगों ने ओला भी बुक कर दी है, 6 मिनट में आ रही है घर पे, तो हम भी बस अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। ये भाभी के 2 बैग रेडी हैं और एक ये है बड़ा वाला वंश का, इसमें सामान, और एक भी छोटा है वो है भाभी का पर्स। मैंने वंश के लिए टीका भी रेडी कर लिया, उसको टीका कर देती हूँ, और वो फर्स्ट टाइम जा रहा है अपने ननिहाल। हमारे यहाँ जब भी कोई कहीं जाता है तो टीका तो लगाते ही हैं। वंश, हाँ हाँ हाँ, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। वंश, ओए मम्मी ले, वाह चावल का दाना भी जरूरी है। तो वंश का लग चुका है टीका, तुम नहीं लगाओगे? थोड़ा सा लगा लो यार, तो भाभी का भी थोड़ा सा कर लेते हैं टीका। तो भाभी का टीका भी कर लिया, फटाफट से जूते भी पहन रही हैं भाभी, और मैं रख देती हूँ इसको यहाँ पे। कैब भी आ चुकी है बाहर और भाई भी चला गया है बाहर बैग रखने के लिए, तो एक बैग मेरे पास ये है और एक है मेरे पास ये वाला बैग। तो अब निकलते हैं हम भी घर से, लाइट वाइट ऑफ कर लेते हैं। चलो वंश, चलो चलो, लेट्स गो निया वंश, सॉरी वंश, चले
बाय करो वांश, बाय करो, बाय। लोग मेन रोड पे आ चुके हैं अपने गली के बाहर, और यहाँ पे ना पापा भी आए हैं वन से मिलने के लिए, और हमारी कैब भी आ चुकी है, बैक कर रही है पीछे से, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बल्कि बहुत लेट आया है ना, बहुत लेट हो गया, एक घंटा लेट होगी पूरी कैब। एक बार एक कैब कैंसिल करी, उसके बाद दूसरी जाके फाइनली तीसरी कैब आई है। सामान है और इस सामान को रखवाएंगे पहले। तो हम लोग बैठ गए हैं कैब में, और वंश भी अपने पापा की गोदी में जा रहा है, भाभी और मैं बैठे पीछे से। मजा आ रहा है आपको गाड़ी में? जी वंश जी बुआ, बता कितना मजा आ रहा है आपको? बहुत बता। अब कब आओगे आप? जल्दी आएंगे बोल। 4 महीने बाद आओगे, बड़े होके आ जाओगे ना? जी बोल। अब 2 पैर में चल के आऊंगा बोलो। ओ वाह, अच्छा। आज वंश उदास सा लग रहा है मुझे, कि मेरे पापा अकेले रह जाएंगे अब यहाँ पे हैं। तो गाइस हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। हम लोग इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कैब से भी उतर चुके हैं, और वंश भी सो के उठ चुका है, तो भाभी को टाटा करने का टाइम आ चुका है, तो भाभी को हम भेज देते हैं अंदर, उसके बाद बाय कर दो। बाय वंश, चलो हाँ आराम से जाना। भाभी भी चली गई है और हम लोगों ने कैब भी बुक कर ली, क्योंकि यहाँ से 1 से 1.5 घंटा लगता है घर पहुँचने में, तो हम भी वेट कर रहे हैं कैब का, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है, तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक।